नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं आप चित्रा, दिल से स्वागत करता हूं। तो फाइनली आपकी जो एक उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरा उतर, सारी समस्याएं हैं उससे रिलेटेड आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया है तो बिल्कुल आपको ये जानकारी चाहिए कि आखिर किस दिन से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी आज के रिपोर्ट के अनुसार बताते हैं। आपको बता दें कि सहारा इंडिया में जो भी जमा पैसा है उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है और निवेशकों के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने सहारा इंडिया में पैसा लगाया है तो आप पाना भी चाहते होंगे, तो सहारा इंडिया में पैसे कैसे निकलवाना है इस बात की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर भाई आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहां पर सही जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी, क्योंकि सहारा ने बड़ी अपडेट जारी की है। जैसे जैसे जो भी अपडेट आएंगी वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो, अन्यथा फॉलो मत कीजिएगा, जो भी आपकी मर्जी है। बात करें यहां पर कैसे मिलेगा पैसा, तो देखिए आपको बता दें कि सहारा इंडिया में करीब 25,000 करोड़ रुपए अधिक फंसे हुए हैं। यह पैसा 13 करोड़ से अधिक लोगों में पैसा हुआ है और उसमें अगर कई लोगों की बात करें ऐसे में जिनकी मजबूरी है वो बहुत से पैसे लेकर यहाँ पर जमा किए थे और पैसा उनका फंस चुका है। लेकिन अब सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय किसी भी निवेशकों का पैसा नहीं देते हैं, तो जिससे हर कोई परेशान हो रहा है और सभी को सहारा इंडिया में पैसा जमा किया है। लेकिन अगर आप इस पैसे को देखें तो सहारा इंडिया में पैसा फंसा होने के कारण कई देश के कई लोगों को ये परेशानी हो रही है और पैसा बहुत से देशों के बहुत से लोगों का फंसा हुआ है। वहीं पर बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया के जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनके निवेश बहुत जल्द होने वाले हैं। सहारा इंडिया में जिन निवेशकों के पैसे फंसे हैं उन्हें जमा करने के लिए उन्हें ब्याज सहित लौटाया जाएगा। अगर सहारा इंडिया का पैसा नहीं दिया गया तो सरकार उस पर आरोप लगाएगी, मुकदमा चलाएगी और हर हाल में निवेशकों का सारा पैसा वापस दिलाएगी। भले ही पैसा सेबी पर अटका हुआ है जिन कारणों से भुगतान नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही है और वेबसाइट और सोशल मीडिया के नेटवर्किंग के हिसाब से दी जा रही है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार की जो खबर है अगर आपको गलत लगता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया के हिसाब से जो खबरें वायरल हो रही हैं या फिर एक रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खबर आपको दिखाई जा रही है। साथ में आपको अब यहाँ पर पॉइंट की बात ये है कि आपको कैसे इन पैसों को लेना है इस बात के लेकर काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। तो अगर आप सहारा में पैसा जमा किए हैं और वाकई में अपना पैसा लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन चल रहा है, लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं। साथ में आपको सिंपल तरीके से आपने जिसके साथ पैसा इन्वेस्ट किया था, जो आपके एजेंट थे यानी कि उन्हें आपने पैसा दिया होगा, तो वो आपको एक रसीद दिए होंगे, उस रसीद को आपको आराम से रखना है और उनसे समय समय पर जानकारी लेना है। हो सके तो अपने नज़दीकी जो आपका हेड ऑफिस होगा सहारा इंडिया का वहाँ पर जाना है और जानकारी लेनी है कि भाई हमें क्या करना है, कैसे पैसा मिलेगा। तो वहाँ पर आपको जानकारी देते रहेंगे और पैसा तो आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा हो, लेट हो रहा हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी समस्या ज़रूर होगी, क्योंकि आपने पैसा रखा था समय पर पाने के लिए और समय करीब 1-2 वर्ष बीत चुके हैं फिर भी आपका पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस बात की उम्मीद आप लोग मत छोड़िएगा कि पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपको अपडेट देते रहेंगे और मामला इस समय कोर्ट में चल रहा है। जैसे ही एक बड़ी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको करना क्या है और कैसे आप सहारा इंडिया में जमा पैसा ले सकते हैं, तो उसकी जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाल वाली बटन आपको दिख रही होगी। साथ में अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो आपको दिख रहा होगा नीले कलर में, तो कर लीजिएगा भाई, ताकि आपको अगले वीडियो की जो महत्वपूर्ण सूचना है वो सभी आपको मिल सकें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। आपकी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।